खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज कीजिए रे मुकद्दस मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तौहीद हो। उसके पंद्रहवें बाब में से सुनेंगे। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि जैसे बाप ने मुझे प्यार किया है वैसे ही मैंने तुम्हें प्यार किया है, तो मेरे प्यार में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरे प्यार में कायम रहोगे, जिस तरह मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसके प्यार में कायम हूँ। मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कही कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी कामिल हो जाए। मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। उससे ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। तो मेरे दोस्त हो बशर्त ये कि जो कुछ मैं हुक्म करूँ तुम करो। आगे तो मैं तुम्हें गुलाम ना कहूँगा, क्योंकि गुलाम नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि मैंने तुम्हें दोस्त कहा है, क्योंकि जो बातें मैंने आप अपने बाप से सुनी हैं मैंने वो सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है और तुम्हें मुकर्रर किया है कि तुम जाओ और फल लाओ और तुम्हारा फल बाकी रहे, ताकि तुम मेरा नाम लेकर जो कुछ बाप से मांगो वो तुम्हें देगा। मैं तुम्हें ये हुक्म देता हूँ कि तुम एक दूसरे को प्यार करो। जिले मुकद्दस के वसीले से हमारी कथाएँ माफ़ की जाएँ। उसी खुदावन में मेरे अजीज भाइयों बहनों बुजुर्गों और साथियों, 24 अप्रैल से लेकर 5 मई तक कैटेगरिज्म ऑफ द कैथलिक चर्च की जानिब से और बाइबल कमीशन की तरफ से बच्चों की तरबियत और उनकी रहनुमाई के लिए बहुत सारे ख्यालात और बातों को बांटा गया, ताकि इस बात को बखूबी तौर पर जान सके कि आज जो बाइबल संडे है, कलाम का एतवार है, उससे हम इस बात को सीख सकें कि इब्तदा से इंतहा तक, बचपन से बुढ़ापे तक खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो कैटेगरिज्म स्कूल के टीचर्स ने बच्चों की तरबियत करते हुए उन्हें चंद आयात तैयार करने के लिए दी और आज वो आपके सामने पेश करेंगे। तो मैं टीचर्स से दरख्वास्त करता हूँ कि बच्चों को सामने लेकर आए। तो चंद आयात इन बच्चों ने लिखी हैं और इन्हीं चंद आयात से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तौर पर आपने पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन चराग है मेरे पैर पैरा नहीं तेरा कलाम, ते मेरे रात के बीच वो है रोशनी का दा। जबूर से इन्होंने इस आयत को लेकर यहाँ पर आपके सामने पेश किया है। इसी तरह खुदाया पढ़ूँ मैं इसे सुबह और शाम, मेरी ज़िंदगी है तेरा कलाम। फिर जिस बात को हमारे बच्चों ने बयान करने की कोशिश की कि कलाम मुकद्दस की बातें सुनेंगे, इन्हीं के मुताबिक हमेशा चलेंगे। फिर एक छोटी बच्ची ने लिखा है कि बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम, ये ज़िंदा किताब ये ज़िंदा मदार। मैं गल खुदा दी सुनांगा जब करेगा कलाम, कि वो ते अपने बंदियां नाल पाक लोकां दे ना कमान। तेरा कलाम जमाने में ऐ खुदा अगर दिखाए रहा जिसने रूप मैंने लिया। ये वो बातें हैं जो हम खुदा के कलाम से अक्स करते हैं और जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनते हैं। बाइबल कमीशन इस बात पर जोर देती है कि ये इन्हीं बच्चों के ज़रिए कैटेगरिज्म ऑफ द कैथलिक चर्च, जो कि टीचर्स हमारे बच्चों की तरबियत करते हैं, उनको सिखाते हैं कि ये खुदा की आवाज़ को सुन सके। और ये खुदा की आवाज़ को सुन के आपने देखा होगा कि महीने के चौथे हफ्ते यही बच्चे तलावतें भी करते हैं। अब कलीसिया इस बात पर जोर देती है कि इन्हीं बच्चों के ज़रिए कलाम आगे की तरफ बढ़ना चाहिए और जो हम पढ़ते हैं वही हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनता है। तो मैं कैथलिज़म स्कूल के टीचर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपसे दरख्वास्त करता हूँ ज़ोरदार तालियाँ बजाकर उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनकी तारीफ के लिए बैठ करें। बाइबल मुकद्दस का इतवार हमारे लिए क्यों ज़्यादा अहमियत का हामिल है? पहली जो ख़ास वजह है कि खुदा का कलाम पढ़ना, सुनना और उस पर अमल करना, ये वही बातें हैं जिसे हमने सीखना भी है और अपने बच्चों को सिखाना भी है। मुकद्दस यूहन्ना के जी उसके पांचवें बाब की
24वीं आयत में लिखा है कि जो मेरा कलाम सुनता और उस पर अमल करता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है। अब हमेशा की जिंदगी की दावत सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है, किसी बड़े के लिए नहीं है, किसी बच्चे के लिए नहीं है, बल्कि ये सांझी दावत है जिसमें हम सब ने शरीक होना है। अगर आपको याद हो, जब बच्चों को बपतिस्मा दिया जाता है और बिल्कुल छोटे बच्चों को जब बपतिस्मा दिया जाता है तो कहें इफ्ता की दुआ पढ़ते हैं, और इफ्ता की दुआ का मतलब ये है कि उसके कानों को बरकत देते हैं ताकि वो खुदा के कलाम की आवाज़ को सुने, और उसके होंठों को छूते हैं ताकि वो उसके कलाम की बुनियादी कर सके। जैसे जैसे बच्चे बड़े हों और वही कलाम जो सुनते हैं उसे दूसरों में बांट सके। तो इसी बात को आज भी कलीसिया जोर देती है और साल में एक दिन मुकर्रर करती है कि हम खुदा के कलाम को देखें, पढ़ें, चखें और उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। यकीनी तौर पे सबके घर में खुदा का कलाम होगा है। तो शाम कितने कितने रखे संभाल के रखा हूँ, खोलना नहीं है। अच्छा, संभाल के रखने का मतलब है नहीं खोलना, उससे हमारे खोल रहे हैं, संभाल के लिए रखा हुआ है। तो संभाल के किस चीज़ ने रखा है? अच्छा, वो संभालने का मतलब समझ लें कि उसकी केयर वगैरह करना। संभालने का मतलब ये था कि जिन्होंने संभाल के रखे तो वहाँ पर नहीं लाना कभी। यकीनी तौर पे कलीसिया इस बात पे जोर भी देती है, सिखाने के लिए दावत भी देती है कि अपने घर पे एक ऐसी जगह तैयार करें जहाँ पर कलाम मुकद्दस को रखा जाए, उसे पढ़ा जाए और उसको रोज़ाना छू कर बरकत हासिल की जाए। तो ये मकसद है कि आज कलीसिया हम सबको ये दावत देती है कि हम भी उस कलाम की तरफ तवज्जो करें जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसीलिए यीशु से दो बातें बार बार की गई, पहला कि यीशु को कहते हैं कि हमें दुआ करना सिखा, दूसरा यीशु को कहते हैं कि हम किस तरह वो हमेशा की ज़िंदगी पा सकते हैं। तो यीशु ने कहता है राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ, और जो मेरा कलाम सुनता उस पर अमल करता है वो हमेशा की ज़िंदगी रखता है। और अगर हम ज़बूर 119 की तलावत करते हैं तो वहाँ वाज़ह तौर पर तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। ये वही बातें हैं जो हमारे सामने रखी जाती हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। मेरी वालदैन से गुजारिश है कि अगर तो आपके घरों में खुदा का कलाम है तो उसे पढ़ने की आदत डालें। पर आजकल एक इंग्लिश का वर्ड बड़ा मशहूर हो रहा है, AI का दौर है, इंटेलिजेंट एफिशिएंस का नाम आजकल बहुत मशहूर हो रहा है, और उसका मतलब ये है कि जैसा बड़े करेंगे वैसे बच्चे भी करेंगे। अगर बड़े खुदा का कलाम पढ़ेंगे तो बच्चे भी खुदा का कलाम पढ़ेंगे, और अगर उनको बोलेंगे कि दुआ बेटा बैठकर करनी है तो वो भी करेंगे, लेकिन जो आप ही नहीं करना थे बच्चे भी नहीं करेंगे। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि बच्चों की मदद करें ताकि ये भी खुदा का कलाम पढ़ के और उस पर अमल करने की कोशिश भी कर सके। इसी के साथ साथ जब हमने आज खुदा मोहब्बत के बारे में सुना है कि खुदा पूरे कलाम मुकद्दस के मुताबिक हमें मोहब्बत की तालीम देता है, और मोहब्बत की तालीम के बाद उस मोहब्बत में कायम रहने की भी तालीम देता है। मोहब्बत तो हर कोई कर सकता है, लेकिन उस मोहब्बत में कायम रहने की भी दावत दी जाती है कि उसमें कायम रहकर खुदा की उन बातों को याद रखना है कि जो कुछ हम खुदा बाप से मांगे वो हमें अदा करेगा। जब औलाद अपने बच्चों के साथ, माँ बाप अपने बच्चों के साथ वफादारी से चलते और औलाद वफादारी का इजहार करती है, अगर अच्छा रिजल्ट आता है, अच्छा रिजल्ट देने के बाद वफादारी भी करते हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा नाराज़गी नहीं करते, तो कभी कभी माँ बाप से बच्चों की जो डिमांड्स है वो पूरी होती नज़र आती है। लेकिन जब नहीं करते तो कभी कभी वो कहते नहीं, तुम लोगों ने रिजल्ट भी अच्छा नहीं दिया, तुम अच्छा पढ़ते भी नहीं हो, तो फिर मैं तुम्हें चीज़ें कैसे दूँ। तो ये रिज़ल्ट तभी आता है जब हम उस मोहब्बत में कायम रहते। इसलिए यीशु कहता है कि जैसे बाप ने मुझे प्यार किया है वैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है, मैं अपने बाप के प्यार में कायम हूँ तो तुम भी अपने बाप के प्यार में कायम रहो, तो तुम जो कुछ खुदा से मांगोगे तो खुदा तुम्हें देगा। आए आज हम भी खुदा से दुआ करें कि जब हम खुदा के साथ अपनी मोहब्बत को बढ़ाते हैं तो खुदा भी हमारी तमाम तर बातों में, तमाम तर ख्याल भी हमारी रहनुमाई करे। मसीह हमारे खुदावन के वसीला से है।